अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हैरान कुन चीज़ है कि तहरीक इंसाफ के फ्लैग्स वगैरह भी बैन किए जा रहे हैं, और पिछले साल भी ऐसे ही किया गया था कि तहरीक इंसाफ के फ्लैग्स बैन थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तस्वीर बैन थी, सड़क पे कोई सेल नहीं कर सकता था। लेकिन रोड पे काम करने वालों का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा सेल ही इसी चीज़ की है, सबसे ज़्यादा सेल ही तहरीक इंसाफ के झंडे हो रहे हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर हो रही हैं, और 14 अगस्त के हवाले से लोग पाकिस्तान का झंडा भी ख़रीद रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब की तस्वीर के झंडे सादा ख़रीद रहे हैं। अब जो सेल करने वाले हैं उन्होंने कैदी नंबर 804 के हवाले से हर चीज़ स्टॉल्स पे सजा रखी है, लेकिन फसाइत फिर भी देखने को कहीं ना कहीं मिलती है कि अक्सर इन स्टॉल्स से ये तमाम की तमाम चीज़ें ही उठा ली जाती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कॉल दे रखी है कि इस बार 14 अगस्त की रात को निकलना है और एक ही डंडे पे तहरीक इंसाफ का झंडा भी लगाना है, साथ ही साथ पाकिस्तान का झंडा भी लगाना है। नाज़रीन, आज की वीडियो के हवाले से आप राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, अगर तहरीक इंसाफ के झंडे बैन कर दिए जाएं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या आवाम के दिलों से इमरान खान निकल सकते हैं? कमेंट कीजिए और आज की वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।